भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। संगीत सोम ने हिंदू युवाओं को जैसे के साथ ऐसा करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून जो करेगा उसका इंतजार नहीं करना, बल्कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या फिर जूता। संगीत सोम ने फेसबुक लाइव के दौरान लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए हिंदुओं को जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि जब हिंदुओं को अपनी भोली भाली बहन बेटियों की रक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। निकिता कांड को लेकर विरोधी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल से आगे नहीं आया, क्योंकि उन्हें 25 करोड़ गैर हिंदू वोट लेनी है। संगीत सोम ने लव जिहाद के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी को भी शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और ऐसा करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। आपको बता दें कि मेरठ के सरधना विधानसभा सीट से भाजपा विधायक संगीत सोम अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मेरठ में इस बार उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आक्रोशित भाषण दे डाला। लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने हिंदुओं को अब जागृत होकर जवाब देने की अपील की है। जैसा जब अक्रांता देश में आए, औरंगजेब, तैमूर, गोरी, बाबर, और इन लोगों ने आकर देश में, पूरे देश में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया है। और धर्म परिवर्तन राजी नहीं, गैर राजी और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन देश में कराया गया। दोस्तों, आज सेम उसी तर्ज पर पूरे देश में लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद की स्थिति आप जान रहे हैं कि देश में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। अपने हाथ में कलावा बांधकर, राम बनकर, श्याम बनकर, दीपक बनकर, राजू बनकर, भोली भाली बहन बेटियों को बहकाकर उन्हें ब्लैकमेल करना, उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता आप सब जानते हैं। भोली भाली बहन बेटी इस बहकावे में भी आ जाती है। वो समझती है कि मेरे सामने वाला, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से जुड़ता हो या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ता हो या किसी और माध्यम से जुड़ता हो, शायद वो कोई हिंदू परिवार से होगा। लेकिन आप जानते हैं कि वो बेटियों के साथ धोखा होता है और लोग, वे लोग उन बहन बेटियों को ठगने का काम करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। और अब तो आप जानते हैं कि ये हाईकोर्ट तक ने टिप्पणी की है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। और मैं आप लोगों को बड़े विस्तार से याद बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी एक वर्ग विशेष को समर्थन करने का काम कर रही है, उससे पूरे देश में इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।